नमस्कार। बहुत दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, तो इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियोस आपने देखी होगी। मेरी पुरानी ग्रामर के बारे में सिखाता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करता हूँ, और आगे और भी इंटरेस्टिंग थिंग आपसे बात करते रहूँगा, है ना। लेकिन इस बार बहुत दिन के बाद शुरू हुई है, तो देखते हैं। मैंने सोचा कि ग्रामर के बारे में सिखा दूँ, मतलब बता दूं आपको, कुछ बातचीत हो जाए। तो ग्रामर के बारे में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हुए मैंने वर्ब तक बताया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार आपको एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा बता दूं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है कि वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता हो। नाउन के बारे में जो होता है, हम होते हैं द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, मतलब किसी आदमी का नाम, किसी चीज़ का नाम, या किसी जगह का नाम, या किसी चीज़ का नाम जो होती है उसको नाउन बोलते हैं। या प्रोनाउन, ही, शी, इट, ये सब नाउन प्रोनाउन होते हैं। तो या तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा जानकारी जो दे उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लिया जाए तो फॉर एग्जाम्पल होता है जैसे कि शी इज ए गुड पर्सन। सो गुड पर्सन तो मतलब किस टाइप का पर्सन है, गुड है। वो जो गुड होता है पर्सन को ज़्यादा, एक पर्सन के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है कि ये जो पर्सन है बहुत अच्छा है, तो वो एडजेक्टिव हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया। उस तरफ ही इज ए ऑनेस्ट पर्सन, या वो ऑनेस्ट, उसमें HONEST ईमानदार, वो एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव के बारे में हम इस बार बात कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव जो होती है वो कोई जरूरी नहीं कि नाउन के पहले ही आए, किसी नाउन के पहले आए या किसी प्रोनाउन के पहले आए, ये कोई जरूरी नहीं होता। बहुत बार ऐसे होता है कि नाउन या प्रोनाउन के पहले उपयोग हो जाता है उसका। जैसे नाउन के पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव, पर बहुत ऐसे भी होते हैं जब के जगह ऐसे भी होते हैं जब ऐसे नहीं होते। तो एडजेक्टिव का जो पोजीशन होता है वो या तो कभी कभी सेंटेंस के शुरू में उपयोग कर देते हैं उसको, कभी कभी नाउन के सामने उपयोग करते हैं, या अन्य जगहों पर उस नाउन के बाद भी उपयोग करते हैं उनको। तो एडजेक्टिव का जब उपयोग करते हैं तो वो जो है किसी चीज़ के शेप के बारे में, किसी के कलर, किसी चीज़ के कलर के बारे में, या किसी पर्सन के कलर के बारे में, या उसके एज के बारे में, या उसके वो कैसे किसी चीज़ के कैसा फील होता है उसके बारे में, या समझ लीजिए कि किसी चीज़ का पोजीशन, या कितने कितना कितना क्वांटिटी है, वो ऐसे बहुत सारी चीज़ को डिस्क्राइब करता है जो एडजेक्टिव होता है। और जो एडजेक्टिव होता है वो बहुत बार तो नाउन के पहले आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो नाउन के बाद आ जाता है। जैसे कि स्पेशली वहाँ जहाँ कि हम बी का फॉर्म उपयोग करते हैं, या लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, जैसे बी का वर्ब हो गया हैज़ बीन डूइंग, बीन जो बी का रूप होता है, बी का रूप में इस भी आता, आर भी आता, वो सब बी का रूप होता है, है ना। पहले मेरे वीडियो देख लीजिए, उसमें बताया। तो बी का रूप जो होता है, कई रूप होते हैं उसमें, एक तो बी होता है, लेकिन एक is, are, ये सब be का रूप होते हैं, उनको बोलते हैं linking verb। verb के साथ जैसे been doing, तो been जो होते हैं ना वो verb के अलावा linking verb होते हैं। वो जब उपयोग होता है उसके बाद जब adjective use करते हैं, उसके बाद उपयोग करते हैं। For example बता देता हूँ, these flowers are very fresh। So these flowers are very fresh। तो flowers कैसा है, fresh है, मतलब फ्लावर्स के बाद उपयोग हुआ है। फ्रेश कैसा है, फ्लावर्स कैसा है, बहुत फ्रेश है, वो फ्लावर्स के बाद ही उपयोग किया उसका। दिस फ्लावर्स आर वेरी फ्रेश, तो फ्लावर्स के बाद उपयोग किया। तो ऐसे होता है जहाँ की बी, जैसे दिस फ्लावर्स आर तो लिंकिंग वर्ब हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि लिंकिंग वर्ब के बाद कभी कभी एडजेक्टिव का उपयोग होता है, वो उसके पहले वाला नाउन को, जैसे फ्लावर्स हो गया इस केस में, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता है। एडजेक्टिव का तो डेफिनेशन ये होता है कि नाउ डिस्क्राइब्स
कुछ ज़्यादा जानकारी दे नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो दीज फ्लावर्स आर वेरी फ्रेश, मतलब दीज फ्लावर्स तो पहले लिख दिया, उसके बाद आर वेरी फ्रेश, मतलब किस तरह बहुत फ्रेश फ्लावर्स हैं। तो ये एडजेक्टिव जानना बहुत जरूरी है साहब, क्योंकि आपको लगता है इंग्लिश ये सब बोरिंग चीज़ें बिना, लेकिन ये सब जानना भी जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे आप इसको साइड बाय साइड जानते रहिए, जानकारी देखते रहिए और इंग्लिश सीखते भी रहिए, तो आपकी इंग्लिश धीरे धीरे तो होगी, उसके साथ आपका ग्रामर भी ठीक होते चले जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं ग्रामर को पहले बता देता हूँ, मैं जानता हूँ थोड़ा मुश्किल है, पर आप इसको बीच बीच में देखते रहिए तो अच्छा रहेगा। तो मैं एडजेक्टिव के बारे में बता रहा था कि ये एडजेक्टिव कोई जरूरी नहीं कि हमेशा नाउन के पहले आए, नाउन के बाद भी आता है ना। तो चूँकि जैसे बी लिंकिंग वर्ब हो गया, जैसे बी का बी हो गया, सीम भी लिंकिंग वर्ब होता है, सीम SEEM, वहाँ पर भी सीम के बाद भी कई बार एडजेक्टिव के यूज़ होता है, लिंकिंग वर्ब के बाद होता है, और जो होता है वो कभी फ्रेज के बारे में, जैसे टाइम इमोरियल या हेयर अपरेंट HEIR APPARENT हेयर अपरेंट में रमेश इज हेयर अपरेंट ऑफ मिस्टर कुमार, मतलब मिस्टर कुमार का जो उत्तराधिकारी है वो है, मतलब जो उसका जो प्रॉपर्टी है सब जो मिलेगा वो रमेश को ही मिलेगा, रमेश इज हेयर अपरेंट ऑफ मिस्टर कुमार। तो हेयर अपरेंट जो हो गया उसमें HEIR जो है वो नाउन है और अपरेंट जो है वो है एडजेक्टिव, मतलब एक हेयर जो दिख रहा है कि कौन उत्तराधिकारी कौन होगा, ऐसा लग रहा है, अपरेंट लग रहा है, अपरेंट मतलब लग रहा है, तो हेयर अपरेंट। ऐसे कुछ कुछ फ्रेजेस होते हैं, इनको फ्रेज बोलते हैं, तो फ्रेज में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नाउन के बाद आपको एडजेक्टिव आता है। उसके अलावा कभी कभी एम्फेसिस देने में, नाउन को ज़्यादा जोर देने में उस नाउन के बाद दिया जाता है एडजेक्टिव। कभी कभी एडजेक्टिव जो होता है वो किसी चीज़ को, जैसे कि द फूड लुक्स टेम्पटिंग, द फूड लुक्स टेम्पटिंग, ये खाना जो बहुत बहुत आकर्षक लग रहा है, द फूड लुक्स टेम्पटिंग, उसमें द फूड हो गया, फूड तो नाउन हो गया, टेम्पटिंग उसके बाद दिया, लुक्स टेम्पटिंग, टेम्पटिंग, तो वो जैसे, या दिस फ्लावर स्मेल्स मार्वलस, फ्लावर कैसा है वो बहुत सुगंध दे रहा है, मार्वलस बहुत ही लाजवाब सुगंध दे रहा है, लाजवाब जो हो गया वो सुगंध को बोल रहे हैं, तो दिस फ्लावर स्मेल्स मार्वलस, उसमें भी ऐसे, तो इस तरीके से बाद में बहुत उपयोग होता है एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव को हम हमेशा जो उपयोग करते रहते हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बनाने में उपयोग करते हैं, कभी कभी तो सेंटेंस में तो बहुत सारे एडजेक्टिव, एक ही सेंटेंस के अंदर बहुत सारे एडजेक्टिव हो जाते हैं, तो ऐसे सब जगह में फिर हमको सोचना पड़ता है कि कौन सा एडजेक्टिव पहले दें कौन सा बाद में दें। तो उसके लिए आपको लिस्ट भी दे रहा हूँ कि जो सबसे नाउन या प्रोनाउन से एकदम दूर में रहेगा वो नंबर वन है, और जो एकदम पास रहेगा उसको जैसे कि आठ नंबर या सात नंबर, वो नाउन के पास ही रहेगा, लेकिन जो सबसे दूर में रहेगा वो नंबर वन रहेगा। उस ढंग से मैंने उसको अरेंज किया, नंबर वन टू नंबर एट, जो नंबर एट है एकदम नाउन या प्रोनाउन के पास में रहेगा और जो वन होगा वो दूर में रहेगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको ये कब होता है, जब एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आप उपयोग करते हैं तब। तो एक ग्राउची 78 ईयर ओल्ड कोरियन मेल, एक ग्राउची, ग्राउची मतलब थोड़ा सा इरिटेटेड टाइप, एक ग्राउची 78 ईयर ओल्ड कोरियन मेल, मतलब ग्राउची एक ओपिनियन हो गया, 78 ईयर ओल्ड एज हो गया, कोरियन जो है नेशनैलिटी हो गई, और मेल जो है उसका जेंडर आखिर में क्या है, मेल है कि फीमेल है, उसको या तो वो मटेरियल भी हो सकता है, चीज़ों के बारे में मटेरियल हो सकती है, या जैसे ह्यूमन बीइंग है तो मेल या फीमेल। तो उस तरीके से मैंने दिया नंबर वन जनरल ओपिनियन, नंबर टू स्पेसिफिक ओपिनियन, नंबर थ्री साइज, नंबर फोर शेप, नंबर फाइव एज, नंबर सिक्स कलर, नंबर सेवन नेशनैलिटी, और नंबर एट मटेरियल या जेंडर। तो इस हिसाब से बहुत सारे एडजेक्टिव उपयोग करते हैं एक ही सेंटेंस में, एक के पीछे एक, तब उनका कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा ये डिसाइड होता है, ये जनरली फॉलो होता है। तो ये सब
कॉमन नॉलेज है और मैं आपको समय सब ला रहा हूँ, तो थोड़ा सा कठिन जरूर लग रहा है ना, पर जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे आप सीखते चले जाएंगे वैसे ही आपको इस साइड में सीखते रहिए इसको। कोई जरूरी नहीं एक बार में सीखे, बाद में धीरे एक बार देखा फिर बाद में थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ी और जम के मजबूत होगी तो फिर भी देख लिया। और ये जो सब दिया है मैंने आपको बताया है बेबी, इनको सबको नोट के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ, नोट के रूप में आपको मैं दिखाऊंगा मेरे इस वीडियो के अंदर ही। आपको मेरे इधर दिखेगा, आपको पीछे की तरफ दिखेगा नोट की तरफ जो साइड में है, इस तरफ दिखेगा जो बहुत ही आप उसको बार बार इसलिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या मेरे स्क्रीन चेंज हो जाएगा वो इन्फॉर्मेशन दिखेगा, कैसे भी आपको दिखेगा। और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं अभी दे रहा हूँ सारी चीज़ें आपको स्क्रीन में मिल जाएंगी। तो आपको ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना पड़े, क्योंकि आपको स्क्रीन में इसका बहुत अच्छा डिस्प्ले देंगे तो आप उसको आराम से समझ लेंगे। और कोई जरूरी नहीं कि एक ही बारे में समझे, थोड़ा सा सीख लिया इंग्लिश, थोड़ा सा एडजेक्टिव वगैरह में जान लिया, फिर कभी कुछ समय के बाद सोचा यार थोड़ा और एडजेक्टिव वगैरह में सीख लेते हैं, देख लिए एक बार और, है ना। तो बार बार देख सकते हैं इंटरवल, एक ही बार में नहीं, कोई जरूरी नहीं, उसको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं। और ये सब ग्रामर क्यों सीखना है, क्योंकि आपका जब सीखोगे ग्रामर तभी आपकी इंग्लिश बहुत ही एकदम करेक्ट होगी, एकदम मजबूत होगी। और वो आपको जरूरी नहीं कि एकदम सीख जाए, जैसे जैसे सीखता जाए बीच बीच में ग्रामर को भी अपना मजबूत कर जाइए। और मेरे जो वीडियो है आपको आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, कोई इसका कोई कोर्स नहीं लगता, आराम से देखिए और मजे लीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ जरूर देखेंगे इस चीज़ को। और आगे जैसे मैंने बोला है, बहुत मेरी कोशिश है कि कुछ बहुत ही प्यारी चीज़ आपको लाऊँ आपके लिए। तो बहुत दिन के बाद लाया हूँ तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रूटीन ट्रेडिशनल चीज़ आपके लिए दिखा जाए, लेकिन जब आगे लाऊंगा मेरी कोशिश ये रहेगी कि एकदम मजबूत और बहुत शानदार चीज़ आपके लिए दिखाऊं, मेरी कोशिश ये रहेगी, और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल का काम है, कोशिश करने जा रहा हूँ, आशा करता हूँ मैं सक्सेस हो जाऊँगा और मैं आपको ज़रूर दिखा पाऊँगा। और आप अगर जुड़े रहिए तो आप अच्छे से अच्छे वीडियो देख पाएंगे, इंग्लिश को तो सीखेंगे लेकिन साथ ही साथ एंटरटेनमेंट भी होगा, ये मेरी कोशिश तो जरूर होगी। आगे आपका साथ रहे तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।